simplest instrument that is used for measuring atmospheric pressure or pressure at some places. आप अगर सपोज करो कि समुद्र के किनारे हो, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा, हिली रीजन में आप चले गए वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा, और ग्राउंड में है तो हो सकता है डिफरेंट होगा. सब जगह पे वन एटमॉस्फेरिक कहते हैं, बट थोड़ा सा उसमें अगर बहुत माइन्यूटली चाहेंगे तो हमको डिफरेंस मिलेगा. ओके, तो मैं यहाँ पे टॉरिसली का जो सिंपलेस्ट बैरोमीटर था उसका फंक्शनिंग कैसे था वो मैं बताता हूँ. एक टेस्ट ट्यूब, इवन यू कैन डू एट योर होम्स आल्सो, एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं. टेस्ट ट्यूब में पूरा एच जी फिल कर देते हैं. ओके, एच जी फिल करने के बाद उसका एक एंड ऐसा ब्लॉक कर देते हैं. अभी ऐसा करके आपने इसमें एच जी फिल किया, अब ये पूरा भर गया. आप उसका माउथ बंद कर दो, अब ये ऐसा हो गया. ओके, और इसके बाद एक पहले से बीकर तैयार रखते हैं, एक ऐसा फ्लास्क, एक कंटेनर तैयार रखते हैं जिसमें पहले से एच जी ही हो. माइंड करें, ये एच जी ही हो सकता है. अब ये जो ट्यूब आपने फिल किया माउथ बंद करके उसको, और जेंटली उसमें डाल करके छोड़ देते हैं. आप ये जो इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब है इसमें भी एच जी भरा हुआ था, और जब आप इसमें उल्टा डाल देंगे तो क्या होगा, ये जो मैं बना रहा हूँ ये एच जी है. तो आप सोचो कि क्या होगा. सबसे पहले कोई भी चीज़ नीचे गिरता है तो उसके अनुसार से जो एच जी इसमें था वो ट्राई करेगा कि नीचे आए, लेकिन नीचे पहले से यहाँ पे एच जी प्रेजेंट है. ओके, और इस जगह पे प्रेशर कितना है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, अब आप समझ लो कि पी एटमॉस्फेरिक को हम लोग शॉर्टकट में पी ए लिख लेते हैं. अब जैसे ही आप इन्वर्ट, जैसे ही ये बैरोमीटर को आप इन्वर्ट करेंगे तो वो नीचे जाना शुरू करेगा. नीचे जाने के लिए वहाँ के मटेरियल को हटाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे पहले से एच जी प्रेजेंट है तो थोड़ा बहुत तो वो हटेगा, लेकिन थोड़ा सा डाउन आने के बाद ये रुक जाएगा. एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ से नीचे नहीं आएगा. इस जगह पे ऑलमोस्ट वैक्यूम जैसा क्रिएट होगा, जो कि जो एच जी का कुछ वेपर हो सकता है. दिस इज कॉल्ड टॉरिसेली वैक्यूम. इस जगह पे ऑलमोस्ट वैक्यूम ही होगा, और जब ये नीचे आ रहा है तो यहाँ के मास को हटाएगा, लेकिन ये भी मास एच जी ही है तो वो हटेगा नहीं. तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद वो सेटल हो जाएगा, और सपोज करो कि ये हाइट हमको मिलता है एच. अब आप समझ लो कि इस जगह पे प्रेशर कितना है, ये हमने ए बना दिया और ये पॉइंट बी बना दिया, तो इस जगह पे जो प्रेशर होगा वो प्रेशर, अगर ये वैक्यूम है तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, जीरो. अगर वैक्यूम है तो ऑलमोस्ट जीरो मान सकते हैं यहाँ का प्रेशर, लेकिन यहाँ पे तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. ओके, तो ये प्रेशर ऊपर से जो आने वाला लिक्विड है, जो एच जी ऊपर से नीचे आने वाला है, उसको ये अगर अप जाएगा तो ये नीचे आएगा, तो ये क्या करता है, ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और एक ऐसा सिचुएशन आता है कि अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको देखिए क्या मिलता है. एट पॉइंट ए फोर्स ड्यू टू एच जी अबव द कॉलम, वो हम अगर फोर्स देखेंगे इस पॉइंट पे, तो ये सारे लिक्विड के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा है. सपोज करो इस लिक्विड का मास अगर m है तो दैट विल बी मास इनटू ग्रेविटी mg, और मास को कैसे निकाल सकते हैं, दिस इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g, और वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इनटू हाइट. तो अगर ये ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया a है, ए इंटू हाइट एच इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, दिस इज फोर्स एट ए.
ये हमने फर्स्ट केस में निकाला। बट आप दूसरी तरफ से सोचो, यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे प्रेशर सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। तो यहाँ अगर प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक है तो यहाँ भी वन एटमॉस्फेरिक होना चाहिए, या जो यहाँ का प्रेशर है वो यहाँ का होना चाहिए। तो अब हम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन से देखेंगे तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये निकालना बहुत ही आसान है। क्यों? फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ओके, दोनों केस में यहां से जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है और जो नीचे से फोर्स लग रहा है, ये दोनों एक दूसरे को हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास आया इक्वेटिंग दीज टू फोर्स वी हैव ए इनटू एच रो जी इक्वल्स टू पी एटमोस्फेरिक इनटू ए। क्लियरली ए इज कैंसल्ड, अब हमारे पास बच रहा है पी ए दैट इज रो जी एच। आप अगर ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर रो इज द डेंसिटी ऑफ एच जी जो 13.6 ग्राम पर ml था, जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच इज द हाइट ऑफ द कॉलम। वो हाइट हमको कैसे मेजर होगा, इसमें ऑलरेडी लिखा रहता है वो मार्किंग, हमको यहाँ का रीडिंग और यहाँ का रीडिंग डिफरेंस निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो ऐसा करने से हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी जगह का निकाल सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोगों को कैलकुलेशन में मिलता है वो अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं तो वो 76 सेंटीमीटर हाइट पे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर पे आकर के अप्रोक्सीमेटली वो रुक जाता है जिस जगह का अगर प्रेशर कम हुआ, अगर उस जगह का प्रेशर कम हुआ तो हाइट कम होगा, अगर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो हाइट और ज़्यादा मिलेगा। तो ये बैरोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, तो आप